किसानों का आज भारत बंद का ऐलान, हाई अलर्ट पर 15 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस। राजस्थान में 30 जिलों में एक भी केस नहीं, सक्रिय मामले 27। गोवा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस नेता लुइजिनो फिलेरो, टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई हाईवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश के एटीएस ने नासिक से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, धर्मांतरण मामले से जुड़े हैं तार। आंध्र प्रदेश में तूफान गुलाब की दस्तक, ओडिशा में हल्की बारिश हुई शुरू। भारत बंद, यूपी से गाजीपुर की ओर यातायात बंद किया गया है। ओवैसी ने कहा, यूपी में मुसलमानों का कोई नेता नहीं, बैंड बाजे की तरह हो रहे हैं इस्तेमाल। दिल्ली में किसान संगठनों का भारत बंद शुरू, गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 जाम किया। लखनऊ जेल में बंद PFI कैदियों से मिलने आई चार संदिग्ध महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के CM अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को ED का समन, आज कोर्ट में होना है पेश। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे किसान, ट्रक के बीच में खड़े होकर की नारेबाजी। कोरोना अपडेट, देश भर में चलाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 80.1 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। यूपी में नवनियुक्त मंत्रियों को CM योगी ने लोक भवन बुलाया, आज 100 पे जा सकते हैं उनको विभाग। शेयर बाजार में तेजी, 255 अंक की उछाल के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर खुला सेंसेक्स। यूपी में गन्ना मूल्यों को लेकर गन्ना मंत्री सुरेश राणा आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोरोना अपडेट, देश में बीते 24 घंटे में 26,040 नए मामले सामने आए, 270 मरीजों की हुई मौत। प्रियंका गांधी ने कहा, फसल किसान की, लेकिन बीजेपी सरकार इन पर अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को आतुर। अखिलेश यादव ने कहा, अन्नदाता का मान न करने वाली दंभी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।